अब देखिए छठा जो पॉइंट है आपका क्या है, क्या देखा थे, फ्रिक्शनलेस क्या है, कंटिन्यूमेंट जो क्या होता है आपका आर से बनता है क्या, अर बन के आता है, ठीक है ना। और यह कैसा देखिए, ये पोस्ट एल्वेलर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है मसूड़े, और मसूड़े के जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या होता है आपका, पोस्ट एल्वेलर होता है आपका, ठीक बात है। और इसमें भी क्या होता है देखिए, नो फाइनल पोजिशन, मतलब ये फाइनल में अर के रूप में उच्चारित नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये कैसे बन के आता है देखिए, तो देखिए ये बन के आता है आपका आर से बन के आता है, डबल आर से बन के आता है, आर एच से बन के आता है, क्या होता है ये डब्ल्यू आर से भी बन के आता है, ठीक है ना। अब क्या लेगा देखिए, रेस जिसमें ई क्या आपका साइलेंट है, क्या बन जाएगा डिप्थोंग ए ई, क्या बनेगा रेस फेस। और फिर क्या लेगा अराउस, क्या है अराउस मतलब उत्साहित करना, उत्तेजित करना, क्या होगा अराउस। फिर क्या लिखा है ड्राइव, अच्छा फिर क्या लिखा है देखिए वारी, और क्या है सॉरी। कई बार एक ही जैसे दिखने वाले जो शब्द हैं उनका उच्चारण क्या होता है भी अलग अलग होता है, क्या हुआ देखिए, ये व में आधा आ दैट क्या हो गया वारी, और क्या ये सॉरी दैट इज क्या होगा भाई सॉरी, और फिर क्या कैरी, कैरी नहीं कैरी। फिर क्या लिखा है राइम का मतलब क्या होता है, लय में गाया जाने वाली पंक्ति क्या होती है आपकी राइम। और फिर क्या लिखा है रिदम, ये आ चुका पहले आपका वर्ड, ठीक है ना। तो कैसे बनता है देखिए, आर से बनता है, आर एच से बन के आता है, और क्या होता है अभी डबल आर से बनता है और डब्ल्यू आर से बनता है। जब आर एच से बनता है तो इसमें क्या होता है, ठीक है हाँ साइलेंट होता है, और डब्ल्यू आर से बनता है तो इसमें क्या होता है डब्ल्यू साइलेंट होता है। क्या लिखा है देखिए राइट, फिर क्या लिखा है री थ, क्या है री थ। फिर क्या लिखा है रैप, और फिर क्या लिखा है रिट, ठीक है, जिसमें डब्ल्यू क्या है सब में ये हाँ डब्ल्यू साउंड इसको एट्रीब्यूट किया हुआ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा फिर क्या लिखा है भाई, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर क्या होगा आर, किसमें आरपी में। तो पहले मैं आपको सुना देता हूँ फिर लिखी बात को समझाता हूँ। तो असल में होता है क्या देखिए, एक तो फाइनल का जो आर होता है ना अरा बन के नहीं आता है, एक फाइनल का क्या होता है आपका डबल आर वो भी नहीं होता है, फाइनल का क्या होता है आर ही, ये साउंड सिस्टम में एट्रीब्यूशन इनको है ही नहीं, ठीक है। अच्छा और बीच में आता है तो अब यदि आर के बाद क्या आता है आपका कॉन्सोनेंट आता है, तो फिर आर का उच्चारण र करना नहीं, इसका मतलब आर सिर्फ र बनता है वाउल साउंड के पहले आता है तब, या इसके बाद क्या होता है आपका वाउल साउंड होता है, तो इसको ऐसे बोल सकते हो आर के तुरंत बाद क्या होता है वाउल साउंड, या वाउल साउंड के पहले क्या होता है आर, तो क्या बन के आता है र बन के आता है। इसी बात का समझाने की कोशिश की गई है लुक। क्या लिखा है इन आर पी द लेटर र इज प्रोनाउंस्ड ओनली वैन, मतलब जो र है इसे क्या कहते हैं प्रोनाउंस कब करते हैं आप, वैन इट अकर्स, जब ये आता है इमिडिएटली बिफोर वाउल्स, कहाँ आता है भाई वाउल के तुरंत पहले, या इसको समझ सकते हो कि आर के तुरंत बाद क्या होता है आपका वाउल होता है, मतलब इस भाषा में समझो चाहे अपने हिसाब से दोनों का मतलब क्या निकलेगा एक ही होगा। तो कहाँ आता है ये, या तो आता है वाउल साउंड के तुरंत पहले, या फिर इसके तुरंत बाद क्या होती है वाउल साउंड, तब क्या बन के आता है ये र बन के आता है, ठीक है। एल्सवेयर बाकी इसके अलावा इट इज साइलेंट, मतलब हमेशा कैसे रहता है शांति रहता है, इट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आर प्लस क्या होता है वाउल, तभी क्या बनेगा ये, तभी बनेगा आपका ये, अदरवाइज बनता ही नहीं है। अच्छा क्या लिखा देखिए हो रहा है इस, अब आर के बाद क्या है देखिए वाउल तो क्या बना ये र बना, ठीक है। आर के बाद क्या आपका आई है तो क्या बनेगा ये र बना दैट इज ड्राइव। आर के बाद क्या लिखा है देखिए वाई, और वाई से क्या बनता है ई, और ई क्या है आपका वाउल, और जब वाउल साउंड आता है आर के बाद तो क्या बनेगा ये र बन के आता है दैट इज वो कैरी। अच्छा इट इज साइलेंट बिफोर कॉन्सोनेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कहा आता है कॉन्सोनेंट के पहले आता है, या फिर इसके बाद क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है, इट मीन्स क्या हुआ आर प्लस क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंट, तो क्या हुआ ये साइलेंट हो जाएगा, फिर आप इसको र करने की गुंजाइश ही नहीं बनती, ठीक है ना। आर के बाद वाउल या वाउल के पहले आर, तब क्या होता है र। अच्छा आर के बाद क्या होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले क्या होता है आर, तो ये कैसा होता है आपका साइलेंट होता है, ठीक है ना। अभी पहले या बाद का सिस्टम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं, बट आपको कब नहीं करना है
इसकी जानकारी होना बनता है, ठीक है ना। अच्छा क्या लिखा, आठ। अब देखिए आर के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो गया आपका साइलेंट, दैट इज आठ। फिर क्या लिखा है, आर के बाद क्या, टी कॉन्सोनेंट क्या हो, दैट इज काट। आर के बाद क्या आपका, अल्ला कॉन्सोनेंट क्या, दैट इज कॉल। कॉल का मीनिंग क्या हुआ, अरे हेयर कर्ली होता है कि नहीं भाई, हाँ कल का मीनिंग होता है घुमावदार होता है, घुंघला टाइप होता है, क्या होता है बोलते हैं कॉलियो। फिर क्या लिखा है, डॉट। आर के बाद क्या है, टी, तो आर क्या हो गया आपका साइलेंट हो गया। और फिर क्या लिखा है, गर्ल, क्या होगा दैट इज, आर के बाद क्या है, लल्ला आ रहा था, क्या बनाइए गर्ल। और इट इज साइलेंट वर्ड फाइनली, इसका मतलब क्या हुआ, किसी वर्ड के अंत में कैसा आता, फाइनली आता, तो कैसा होता है। अब क्या होगा, देखिए आर हो सकता है, आर ही हो सकता है, और डबल आर जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि डबल आर नॉर्मली एंड में एक ही स्पेलिंग में आता, जानते हो कौन सी है वो, हाँ चूक करना, गलती करना, क्या होता है, दैट इज अ, ए नहीं अ। अच्छा फिर क्या लिखा, देखिए फाइनल में आरी क्या हुआ, हियर, फाइनल में आरी देयर, फाइनल में आरी फेयर, फाइनल में आरी केयर, फाइनल में आरी मेयर, फाइनल में आर क्या हुआ, दैट इज का, फाइनल में आर फादर, फिर क्या, फाइनल में आर मदर, और क्या हुआ ऑर्डर, क्या हुआ ऑर्डर, तो क्या होगा फाइनली, तो आर आरी और डबल आर कहाँ आता है, एंड द एंड ऑफ द वर्ड वो क्या होता है आपका साइलेंट रहेगा, ठीक। तो नया क्या है, और ये तो पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, आई थिंक अच्छा। उसके बाद क्या, देखिए सेमी वाउल्स दो होते हैं हमारे पास, एक तो कौन सा होता है वा, और क्या होता है या, वा और या, ये में क्या होता है कंप्लीट क्लोजर, और डब्ल्यू से क्या होता है आपका, दोनों होठों से बोलते हैं, ठीक है। तो देर आर टू सेमी वाउल्स, प्रश्न बन सकता है कि हाउ मेनी सेमी वाउल्स इन इंग्लिश, तो क्या होगा देट इज टू, क्या होता है वा और या। अच्छा पहला क्या देखिए, लेबियो वेलर का मीनिंग क्या हुआ, होठ और क्या हुआ सॉफ्ट पैलेट से, क्या बनेगा आपका वा बनेगा। और खास बात देखिए, नो फाइनल पोजिशन, इट मीन्स जब भी एंड में आता है तो इसका साउंड एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब इसका साउंड होता ही नहीं है। तो अपने पास कौन कौन से पता है ना भाई, वह होता है एंड में, आर होता है एंड में, यह होता है, इनका उच्चारण नहीं होता है। अब क्या स्पेलिंग में क्या मिलेगा आपको जरा देखिए, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू एच, और क्या होगा देखिए जी यू, और क्या हुआ क्यू यू से क्या बनेगा आपका अभी का हुआ, ठीक है। तो क्या लिखा देखिए, वेस्ट। अब देखिए स्पेलिंग और साउंड कैसे हैं, सेम है। फिर क्या लिखा, अवेक अवेक अवेक, जगा हुआ जागत है, जगाना नहीं, जगा हुआ पहले से जगा हुआ है, जो नींद में नहीं है वो क्या होता है अवेक। फिर क्या लिखा है, स्वीट। फिर क्या लिखा है, स्वैट, हम इसे बोलते हैं स्वीट है पसीना ना, इट्स स्वैट, सब ए और ट। एक और देखिए, एस यू आई टी ई, ये होता है दो रूम का जोड़ा होता है ना होटलों के अंदर ठहरने का, वो क्या होता है, तो क्या होता है दैट इज अ स्वीट, कौन सा वाला, दिस वन। तो देखिए हमारा मीठा स्वीट और दो रूम का जोड़ा कमरा वाला, दोनों क्या है स्वीट होता है, तो स व ई की और ट स्वीट। अच्छा फिर क्या लिखा है, विच। फिर क्या होगा, वेयर। फिर क्या होगा, वैन। फिर क्या होगा, वाई। इन सब में क्या है, इन सब में क्या भाई, विच में क्या देखिए हा साइलेंट है, वेयर में क्या आपका हा साइलेंट है, वैन में क्या आपका हा साइलेंट है, और वाई में क्या आपका हा साइलेंट है। लेकिन कई बार क्या बोलते हैं बच्चे लोग, बोलते हैं वहाई है, वह है, वह है ना, हा बोलना ही नहीं है, कैसा है साइलेंट है। अच्छा फिर क्या लिखा है, जी यू से क्या बनेगा, देखिए जी यू क्या, लैंग क्या होगा, लैंग विच, लैंग विच। अभी जो आ रहा है ना आपका ये ले ना नहीं है, अंग है, लैंग विच। फिर क्या लिखा है, लिंग्विस्ट है, भाषा विशेषज्ञ क्या होता है, लिंग्विस्ट। ये जो आ रहा है आपका एन, क्या होगा ये अंग बन के आ रहा है।
और क्यू यू से का हुआ बनता है आपका, ठीक है। तो क्या हुआ क्वीन, फिर क्या होगा क्वालिटी, और रिक वेस्ट पूरा क्या बनेगा रिक्वेस्ट। हाँ और फिर क्या लिखे अनोट, मतलब टिप्पणी बताना चाह रहे, क्या हुआ देखिए वह इन ओ एनी वन, फिर क्या लिखा है वंस, और क्या हो गया स्वीट। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इसमें ना डब्ल्यू है नहीं वी है फिर भी वह है, तो क्या बनेगा आपका सेमी वाउल बन के आ रहा, क्या बन जाओ वन, फिर क्या होगा वंस, और फिर क्या होगा स्वीट। अब देखिए इसमें क्या है, ना तो डब्ल्यू है नहीं वी है फिर भी साउंड क्या आ रहा आपका वह का, तो क्या देना पड़ेगा आपको डब्ल्यू से देना पड़ेगा। तो फाइनली क्या बात बन के आती है आपकी, जब स्पेलिंग में डब्ल्यू भी नहीं है स्पेलिंग में वी भी नहीं है स्टिल साउंड क्या आ रहा आपका वह, तो क्या बनेगा वो डब्ल्यू साइन से ही आपका क्या बनेगा वह, जिसे क्या बोलते हैं सेमी वाउल बोला जाता है उसे, ठीक है ना। एन का भी यही बनता है ना किसका बंदे, डब्ल्यू एन डब्ल्यू एन, हाँ सेम, सेवन ये जो आपका ओ एन ई और डब्ल्यू एन डब्ल्यू एन इन दोनों का साउंड सिस्टम कैसा है सेम है। अच्छा फिर क्या लिखा है भाई, द लेटर जो डब्ल्यू है इज साइलेंट इन द वर्ड फाइनल, वर्ड फाइनल का मीनिंग क्या हुआ एट द एंड ऑफ द वर्ड, जब क्या होता है आपका डब्ल्यू तो कैसा होता है ये साइलेंट रहता है। एंड सर्टेन मिडल पोर्शन, इसका मतलब कभी कभी क्या होता है ये बीच में भी साइलेंट रह जाता है, जैसे जैसे इन क्या लिखा अभी, तो फाइनल में क्या हो गया आपका सौ ओ की ध्वनि, फिर क्या लिखा है ड्रॉ, फिर क्या लिखा है कराओ है कर आओ, क्या हुआ डिप्थोंग आओ दैट इज क्रो, और फिर क्या लिखा है अभी बीच में आ रहा है और कैसा है ये साइलेंट है, तो ये शब्द दो एक ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, क्या होता है ये ऑफुल होता है, क्या होता है ओ वह नहीं, वह का साउंड एट्रीब्यूट किया हुआ नहीं तो क्या बनेगा ऑफुल, और फिर क्या लिखा है ऑकवर्ड, क्या है ऑकवर्ड। अब इसमें क्या हो रहा है ये जो डब्ल्यू क्या आपका साइलेंट है और इसका साउंड आ रहा है, तो क्या बनेगा दैट इज ऑकवर्ड का मीनिंग क्या हुआ अजीब सा होता है, ठीक है समथिंग स्ट्रेंज टाइप का ओड।